था, लेकिन मुख्तार सकफी ने कसम खा ली थी कि हर उस शख्स को मैं कत्ल करूंगा जो कूफा से निकलकर करबला के मैदान में इमाम हुसैन के मुकाबले में गया था। अरे भाई, और जितने गए हुए थे उनको चुन चुन करके वो कत्ल करता गया, ओहो मारता गया। शिमर मिल गया उसको, उसने इतनी बुरी तरह से कत्ल किया कि उसके टुकड़े बिखेर दिए, और उसके बाद कुत्तों को के सामने उसके टुकड़ों को डाल दिया जो इमाम हुसैन का कातिल था। फिर खोली बिन यजीद था एक शख्स, और एक शख्स था जो इमाम हुसैन के जिसमे अकदस पर पैर रख करके उनको गिराया था, वो तो पहले ही मर गया। तो उबै मुख्तार सकफी ने कहा किसी भी कूफी को मरने का भी हक नहीं है बगैर सजा लिए हुए। हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती सलमान अजरी साहब का वीडियो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है जिसका की नाम है करबला की जंग के बाद यजीद की मौत कैसे हुई है सुनो। करबला का वाकया पे हमने रिएक्शन दिया। मुफ्ती सलमान अजरी साहब के और भी मोटिवेशनल स्पीकर मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उनके अलग अलग वीडियोस पे करबला का वाकया पे हमने रिएक्शन दिया। काफ़ी लंबे लंबे वीडियोस भी बनाए 50-50 मिनट के। लेकिन यजीद कौन है और उसके अंदर उनकी मौत कैसे हुई, एक हमारे लिए तो एक पूरी की पूरी अभी तक पहेली है। मुस्लिम भाई हैं मोस्टली चैनल पे तो उनको तो पता होगा, लेकिन क्यों ना यादों को ताज़ा कर ली जाए, क्योंकि अलग अलग तरीका रहता है लोगों का बताने का। बहुत सारे लोगों के लिए तो आप लोग ही बोलते हो कि भाई इनकी वीडियो मत बनाओ, ये अलग तरीके से बनाते हैं। मुफ्ती सलमान अजरी साहब पे लोग इसलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो बुक्स का हवाला दे के बोलते हैं। तो आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं। होपफुली गाइज आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले। फरमाता है वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलुल जालिमून, अल्लाह जालिमों के काम से गाफिल नहीं है, बेखबर नहीं है। हर जालिम अपने अंजाम को पहुंचेगा जरूर। हालात करवट लेते हैं। यजीद का दौरे हुकूमत खत्म हो गया, उसके बाद यजीद का बेटा मुआविया तख्त नशीन हुआ। 6 महीने सिर्फ खिलाफत चली, उसके बाद ये ख़ानदान की विरासत ही ख़त्म हो गई। मुआविया के बाद यानी यजीद का बेटा जो मुआविया था, उसके बाद फिर इस ख़ानदान में खिलाफत ही ख़त्म हो गई। मरवान की हुकूमत चली, मरवान के बेटों की हुकूमत चली, लेकिन इस असना में एक शख्स मुख्तार सकफ़ी नाम से कूफा की सरजमीन से उभरता हुआ एक नौजवान निकला। वह अहले बैत का जानिसार था, मुहिब था, चाहने वाला था। वो कूफा की सारी ताकत व कुव्वत को उसने जमा कर लिया, और उसी दिन से उसने तय किया कि रसूलुल्लाह के ख़ानदान के साथ जो हुआ है मैं उसका बदला लेकर के रहूँगा, मैं कफारा अदा करूँगा। था तो कूफा का रहने वाला, और उसने अपनी किसी जगह का नाम हो सकता है लेकर वहाँ की सारे लोगों को जमा कर लिया। उसके बाद फिर एक एक बात दीगरे लोगों को ढूंढना शुरू किया, और जो तारीख़ है मेरे अजीज़ो, उसने पीछा किया सबसे पहले उस शिमर का जिसने इमाम हुसैन की गर्दन अलग की थी। और एक लंबा वाक़या है, मैं मुख्तसरन ये बताता हूँ। वो शिमर छुपता छुपाता कूफा छोड़ दिया, जा कर के एक खेती में रहने लगा, और उसके बाद फिर वहाँ से भी छुप कर के किसी किसान के साथ रहता था। लेकिन मुख्तार सकफ़ी ने कसम खा ली थी कि हर उस शख्स को मैं कत्ल करूँगा जो कूफा से निकलकर करबला के मैदान में इमाम हुसैन के मुकाबले में गया था, और जितने गए हुए थे उनको चुन चुन करके वह कत्ल करता गया, मारता गया। और उसके बाद फिर शिमर मिल गया उसको, उसने इतनी बुरी तरह से कत्ल किया कि उसके टुकड़े बिखेर दिए। अरे भाई, और उसके बाद कुत्तों को के सामने उसके टुकड़ों को डाल दिया जो इमाम हुसैन का कातिल था। ओहो। फिर खोली बिन यजीद था एक शख्स, और एक शख्स था जो इमाम हुसैन के जिसमें अकदस पर पैर रख करके उनको गिराया था, वो तो पहले ही मर गया। तो उबै मुख्तार सकफ़ी ने कहा किसी भी कूफी को मरने का भी हक नहीं है बगैर सजा लिए हुए। उसने उसकी कब्र खुदवा दी, और उसके बाद उसकी लाश को जलवा दिया। कहा ये इबरत है लोगों के लिए। और उसके अच्छा, बाद दफनाए नहीं, लाश को आग लगवा दी। मुस्लिम में नहीं करते ना ये। इसकी जंग हो गई इब्राहिम एक और गवर्नर बसरा के गवर्नर के साथ, और वो हावी हो गया। उबैदुल्लाह बिन जियाद की फौज मारी गई। फिर उबैदुल्लाह बिन जियाद गिरफ्तार होकर के आया तो मुख्तार सकफ़ी गया और कहा कि ये शख्स मेरे हवाले करो, यही है पूरे करबला की दास्तान का असल मुजरिम। कूफा का गवर्नर बनकर के आया, इमाम मुस्लिम को कत्ल किया, हानी बिन औरवा को कत्ल किया, और इसी ने भेजा था करबला में। फिर उबैदुल्लाह बिन जियाद को उसने
गिरफ्तार करके चौराहे पर खड़ा किया और उसके बाद उसके साथ भी वही हशर हुआ मेरे अजीजों, जिसको बयान नहीं किया जा सकता कि वो मौत मांगता था लेकिन कोई उसको वहाँ पर मुकम्मल कत्ल करना भी नहीं चाहता था। और मुख्तार सखफी उसकी उंगली काटता और उसके बाद कहता कि दर्द कैसा लगता है, कभी उसका कान काटता और कहता दर्द कैसा लगता है, तूने रसूलुल्लाह के छोटे छोटे बच्चों को कत्ल किया, आज तेरी उंगली कटने पर तू गवारा नहीं कर पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। उस हुसैन इब्ने अली ने कैसे गवारा किया होगा जब 6 महीने के बच्चे की गर्दन में तुमने तीर डाल दिया था। और भाई कई दिनों की इस मशक्कत के बाद उबैदुल्लाह बिन जियाद को भी कत्ल कर दिया गया, ख़त्म हो गए। और जितने गए हुए थे अम्र बिन साद सब मारे गए, एक भी नहीं बचा। यहाँ तक कि ये सिलसिला तकरीबन 3 या 4 साल तक चला। मुख्तार सखफी को जितने लोगों की लिस्ट थी उसने एक बंदे को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए ये तारीख में बात रकम है कि करबला के मैदान में जितने भी मुकाबिल में आए थे उबैदुल्ला बिन जियाद की अगुवाई में आने वाली ये पूरी जमात 22,000 की, उनमें से एक शख्स भी नहीं बचा। और तारीख में साथ ये भी लिखा गया है उनमें से किसी एक की नस्ल भी नहीं चली, किसी एक की नस्ल भी नहीं चली। अब यहाँ देखिए तारीख का कैसा अजीब मंजर है, 22,000 ख़त्म हो गए 4 साल के अंदर और नस्ल भी नहीं चली। और इमाम हुसैन के टुकड़े कर दिए गए लेकिन नस्ल 14 सदियों से अब भी चल रही है, अब भी चल रही है। हुसैनी सादात हर जगह मौजूद हैं मेरे अजीज़ों। इसीलिए मेरा रब ताला फरमाता है अल्लाह ताला जालिमों के काम से बेखबर नहीं है। और जब अल्लाह इंतकाम लेता है तो फिर तुम्हारी नस्लें भी ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हमसे होने वाली ख़ताएँ गलतियाँ अगर इसका ताल्लुक अल्लाह के किसी महबूब बंदे से है तो फिर क़यामत तक तुम पर लानत बरसाई जाएगी। कभी हरगिज़ ऐसा काम होने ना पाए कि तुमसे ज़्यादती हो गई हो और वो भी किसी अल्लाह वाले के साथ, वरना अल्लाह इंतकाम लेगा, अल्लाह इंतकाम लेगा। आप ये मत समझ करके चलें कि सिर्फ़ एक करबला हो गया और एक यजीद था एक हुसैन थे और फिर मामला नहीं, हर दौर में ये मामलात होते हैं। आज भी आपको यही नसीहत कर रहा हूँ कि कभी तुम्हारी तरफ से किसी ऐसी चीज़ ऐसी शख्सियत को तकलीफ़ ना पहुँचाओ जो अल्लाह वाला है, अल्लाह का महबूब बंदा हो, वरना होगा ये कि उसका इंतकाम अल्लाह लेगा, अल्लाह की तरफ से होगा। एक मशहूर बुज़ुर्ग हैं वो हज़रत शैबा, मजजूब बुज़ुर्ग थे, बैठे रहते थे बाज़ार में और एक बड़े सेठ आदमी ने अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लाया और उसके बाद वो उसकी औरत को उम्दा लिबास पहना करके बाज़ार में चल रहा था। ये जो हज़रत शैबा हैं बुज़ुर्ग हैं, इनका पैर कीचड़ में ऐसे गिर गया तो कीचड़ उछल करके बेगम की लिबास पर कीचड़ आ गया। तो सेठ को बड़ा गुस्सा आ गया कि मेरी बेगम के नए नए कपड़े जो है ना कीचड़ में ख़राब हो गए और ये बूढ़ा शख्स इसने ऐसा किया। तो आया ज़ोरदार दो तमाचे लगा दिया इस बुज़ुर्ग भाई हज़रत शैबा को, पागल दीवाना कहीं का नज़र नहीं आता, कीचड़ में पैर डाल दिया, मेरी बेगम के महंगे लिबास को तूने गंदा कर दिया। इस बुज़ुर्ग ने कुछ नहीं कहा, बाबा माफ़ कर दो गलती से मेरा कदम गिर गया। कहा कैसी गलती, दामन पकड़ करके खींचने लगा। बेगम आई और कहा छोड़ दो, ये अल्लाह वाले हैं इनके बारे में लोग जानते हैं। कहा कहाँ का अल्लाह वाला, कैसा अल्लाह वाला, उसको दिखावा था उस सेठ को अपनी बेगम के सामने अपनी पहलवानी दिखानी थी, मारा तोड़ा सब किया घर गया। उसी शाम को घर के ऊपर सीढ़ियों से उसका पैर फिसला, नीचे गिरा और ऐसा गिरा कि सर का खोपड़ी बाहर आ गई, भेजा बाहर आ गया, जगह पर इंतकाल हो गया। ये वाकया मैं इसलिए बता रहा हूँ मुकाफात अमल क्या है। उसकी बेगम ने हल्ला करना शुरू किया कि ये मामला इसी वजह से हुआ, आज उस बुज़ुर्ग को इसने मारा, इसी वजह से मेरा शोहर आज मर गया। लोग जमा हुए, सबके पास ये औरत यही कहती थी कि इसी वजह से हुआ होगा, इसी वजह से हुआ होगा। लोगों ने कहा चलो हम पूछते हैं उनसे कि आपने ऐसी बद्दुआ कर दी उस बंदे को कि मर ही गया बेचारा। तो एक हलवाई की दुकान पर ये बैठे हुए मिल गए, लोग आए जो ज़िम्मेदार थे गाँव के, कहा कि बाबा उसने 2 थप्पड़ क्या लगाए, आपने उसको ऐसी बद्दुआ कर दी कि उसकी तो जान चली गई, वो तो ख़त्म ही हो गया। कहा कैसे भाई,
लोगों ने बताया सीढ़ियों से गिरा और नीचे गिरा तो भेजा ही बाहर आ गया, मर गया। इस बुजुर्ग ने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, अल्लाह की कसम देता हूं तुम मुझसे जो हलफ लेना चाहो ले लो, मैंने कोई बद्दुआ नहीं की है। लोगों ने कहा लेकिन उसकी औरत तो यही कह रही है कि आपको आज उसने मारा था दो थप्पड़ और आपकी बद्दुआ से वो हिलाक हो गया, फिर ऐसा कैसे हो गया है। इस बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा कि बेटा बद्दुआ तो मैंने नहीं की, मैं तो माफ़ कर दिया, लेकिन दस्तूर है दोस्त को पहुंची हुई तकलीफ दोस्त बर्दाश्त नहीं करता। सही बात है, मैं तो माफ कर दिया, मेरा दोस्त जो अल्लाह है वो गवारा नहीं करता। उसके किसी वली से तुमने दुश्मनी की तो खुद फरमाता है मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। इसीलिए हमेशा इस बात का लिहाज रखें मेरे अजीजों, हमारे किसी अमल से अल्लाह वालों को तकलीफ ना हो। देखो रसूलुल्लाह के अहले बैत ये अल्लाह वाले थे, इमाम हुसैन, तकलीफ पहुंची तो आज तक वो यजीदी जलील हैं और लानत के फटकार उन पर बरस रहे हैं और सुबह क़यामत तक होते रहेंगे इंशाअल्लाह। लम्हे ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब कदीर हम सबको जुल्म से कोसों दूर रखे और मौला करीम हमें अहले बैत के साथ ज़िंदगी अता करे और क़यामत के दिन अहले बैत के साथ हशर अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो गाइज ये वीडियो था, बड़ा प्यारा वीडियो था, यजीदियों के बारे में इन्होंने बताया, यजीद कैसे शहीद हुए, पूरा का पूरा स्टोरी। और जो एंड वाला जो एक कहानी था अल्लाह बालिया वाला, कि जो अल्लाह का बंदा है अल्लाह का बली है, अगर आप उसको सताओगे वो तो आपको बद्दुआ नहीं देगा, क्योंकि भाई उसने इतना कुछ ज्ञान हासिल कर रखा है, इतनी सारी चीज़ें हासिल कर रखी हैं कि वो कभी भी इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए नहीं सोचेंगे। लेकिन उनके जो दोस्त जो ऊपर वाला है अल्लाह, तो उन्होंने उसका बदला लिया, किस तरीके से लिया आप लोगों को पता ही चल गया। बड़ा प्यारा वीडियो था। मुफ्ती सलमान नजरी साहब की ये वीडियो का हमेशा एक एग्जांपल ज़रूर रखते हैं ताकि और भी बहुत अच्छी सी चीज़ें क्लियर हों। आपको कैसी वीडियो लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस, हम आपके एक एक कॉमेंट्स पढ़ते हैं और आपके कमेंट्स के बिहा पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो भी आप लोगों के द्वारा ही रिकमेंडेशन है। आप लोग और भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, किन पे रिएक्शन चाहिए। और भी हमें कई सारे भाई हैं जो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कंटिन्यूसली कि भाई रील्स पे वीडियोस बनाओ, रील्स पे रिएक्शन दो। तो हम सोच रहे हैं अलग अलग बहुत मोटिवेशनल जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनकी रील्स को हम कलेक्ट करें अच्छे तरीके से, उन पर हम रिएक्शन देना स्टार्ट करें। क्या हमारा ये स्टार्ट रहेगा, आप लोगों को क्या ये हमारा सही रहेगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक लाइक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।